नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्स चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप लोगों के लिए आज के इस खास वीडियो में लेकर हाजिर हूं कि किस तरीके से भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को पूजा जाता है और इस रहस्य की जानकारी भी कि आखिरकार भगवान शिव को क्यों लेना पड़ा था अर्धनारीश्वरी का अवतार, आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य कि शिव जी और पार्वती जी दोनों एक ही शरीर में समा गए थे। इन तमाम जानकारियों के साथ आज मैं आपको इस खास वीडियो में परिचय कराने वाली हूं, तो आशा करती हूं आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा सदियों से हो रही है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शिव का एक और रूप है जो अर्धनारीश्वर है। दरअसल भगवान शिव ने ये रूप अपनी मर्जी से धारण किया था। वे इस रूप के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष एक समान है। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में शिव का आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष का है। शिव का यह अवतार स्त्री और पुरुष की समानता को दर्शाता है। समाज, परिवार और जीवन में जितना महत्व पुरुष का है, उतना ही स्त्री का भी है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर अवतार क्यों किया, आगे हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें, कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का काम समाप्त किया, तब उन्होंने देखा कि जैसी सृष्टि उन्होंने बनाई है उसमें विकास की गति नहीं है। जितने पशु पक्षी और कीट पतंग की रचना उन्होंने की है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसे देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हुए। अपनी चिंता लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप भगवान शिव की आराधना करें, वही कोई उपाय बताएंगे। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शिव की तपस्या शुरू कर दी। इससे भगवान शिव प्रकट हुए और मैथुनी सृष्टि की रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा कि मैथुनी सृष्टि कैसी होगी। ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझने के लिए भगवान शिव ने पाने शरीर के आधे भाग को नारी रूप में प्रकट कर दिया। इसके बाद नर और नारी भाग अलग हो गए। ब्रह्मा जी नारी को प्रकट करने में असमर्थ थे, इसीलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिव यानी कि शिव के नारी स्वरूप ने अपने अपने रूप से एक अन्य नारी की रचना की और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद अर्धनारीश्वरी स्वरूप एक होकर फिर से पूर्ण शिव के रूप में प्रकट हो गए। फिर मैथुनी सृष्टि से संसार का विकास तेजी से होने लगा। आप सभी के लिए ये रोचक जानकारी कि भगवान शिव ने क्यों लिया था अर्धनारीश्वरी का रूप। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।